and gentlemen, welcome and welcome back to my channel Rishan Glam. So may I have your attention please. So मैं शेयर कर रही हूँ आज आपके साथ कि आप अपने आप को विंटर्स में भी कैसे एकदम स्टाइलिश दिखा सकते हो इवन डेली वेयर में. सो नॉर्मली बात करते हैं लोग कि आप कैसे विंटर्स में साड़ी स्टाइल कर सकते हो पार्टीज में ये सब, तो ये भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी. कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको साड़ीज़ को वेयर करना पड़ता है, साड़ीज़ को कैरी करना पड़ता है, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको साड़ीज़ ही पहनना पसंद है और साड़ी में जो लुक आता है ना वो आई थिंक मेरे हिसाब से पर्सनली मुझे लगता है सारे लुक फेल होते हैं. सो मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ. अगर आप टीचर हो या फिर ऑफिस गोइंग हो, आप साड़ी वेयर करते हो, तो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ कि आप अपनी डेली वेयर की साड़ियों को ही कैसे आप साड़ी में भी लुक अपना एकदम स्टाइलिश दिखा सकते हो. सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है. सो वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके पास ना कुछ सिर्फ कुछ सी चीज़ें चाहिए जिससे आप अपना लुक मस्त बना सकते हो. सो मैं सबसे पहले यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरे पास ये नॉर्मल सी साड़ी है और यहाँ पर मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप कॉटन साड़ी को वेयर कीजिए. जो कॉटन साड़ी होती है वो थोड़ा सा वार्म रखती है आपको, और फैब्रिक ऐसा चूज कीजिए आप अपनी साड़ीज़ में जो थोड़ा सा आपको वार्म रखता हो, थोड़ा सा थिक फैब्रिक हो. सो आप उसको चूज़ करना सबसे पहले मैं ये कहूँगी. सो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक सबसे बेसिक सा वो, जहाँ पर मैंने बूट्स वेयर किए हैं. अगर आप बूट्स वेयर कर रहे हो तो आपने अपनी शूज़ को अपनी साड़ी को थोड़ा सा ऊंचा बांधना है कि ताकि आपके बूट्स दिख सकें, क्योंकि इसका लुक बहुत अच्छा आता है. और यहाँ पे नॉर्मली मैंने ब्लेज़र पहना हुआ है, यही वाला ब्लेज़र पहना हुआ है. आप अपने हिसाब से लॉन्ग कोट पहन सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, आप चूज़ कर सकते हैं. बाहर से मैंने पल्ला डाला है और बाहर से भी आप पल्ले को टक इन कर सकते हो. नेक्स्ट लुक में मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ कि यहाँ पर मैंने ब्लेज़र जो लिया है वही बेसिक वही वाला ब्लेज़र, उसमें क्या करना है आपको, पल्ला जो है आपका साड़ी का उसे यहाँ पर नेक से इधर को ले आना है. इससे क्या होगा, आपको यहाँ पर आपके चेस्ट में आपके नेक में वार्म भी रखेगा और आपका जो लुक है वो बहुत अच्छा आएगा. और उसके साथ आपको एक ऐड करनी है अपनी बेल्ट, और इससे ना आपकी बॉडी बहुत कोजी सी हो जाएगी और बहुत आपको गर्म भी फील होगा. कॉटन साड़ी की यहाँ पर मैंने बात करी थी, तो यहाँ पर मैं कॉटन साड़ी वेयर कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने ब्लेज़र अगेन लिया हुआ है. और ब्लेज़र के साथ आपको क्या करना है, ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि आप इस तरीके से पल्लू ले लो, ये स्टाइलिश भी लगता है और वॉर्म भी रखता है. और आप चाहो तो पल्लू बाहर से भी ले सकते हो, इट्स योर चॉइस, आप कैसे भी कर सकते हो, आप अपना कॉम्बिनेशन ले सकते हो. मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक ग्रे, एक कैमल कलर, ब्राउन कलर मीन्स, और आप एक ब्लैक कोट ज़रूर आपके साथ रखो थोड़ा चेंजिंग करने के लिए. और अलग अलग साड़ीज़ को आप उसमें स्टाइल कर सकते हो, जो जिस साड़ी में जिस कलर का अच्छे से जाता हो ब्लेज़र आप उस साड़ी को वेयर करो. और ये लिटरली मैं बोल रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है. आप अगर ऑफिस वेयर हो, कॉलेज गोइंग हो और साड़ीज़ आपको पहनना होता है तो आप इसको. और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप बूट्स पहनो, शूज़ अवॉइड करो और ऐसी कोई भी चीज़ अवॉइड करो जो थोड़ी सी अजीब लगती हो. बूट्स पहनिए, बूट्स पहनने से आपको क्या होता है ना, आपको वार्म भी मिलता है, बूट्स आपको वार्म रखते हैं, प्लस आपका जो लुक है वो बहुत ही गॉर्जियस लगता है. और जब आप बूट्स पहन रहे हो तो मैंने आपको बताया है कि साड़ी थोड़ी सी ऊंची पहनो ताकि नीचे से जो आपके बूट्स हैं वो दिख सके. यहाँ पे मैंने इंडिगो साड़ी को भी वेयर किया है, बहुत मोटी तो नहीं है साड़ी ये, बट ये भी बहुत अच्छी लगती है ऑफिस में और डेली वेयर में बहुत अच्छी लगती है. आप इंडिगो साड़ी को भी प्रेफर कर सकते हो. आपको नीचे एक मोटा आपका थर्मल पहनना है और बूट्स पहनने हैं. और मैं यहाँ पर, आप अंदर से हाईनेक पहन लीजिए और एक्स्ट्रा वार्म के लिए, और बाहर से कोट ज़रूर पहनिए. जैकेट्स अवॉइड कीजिए, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि थोड़ा सा जैकेट को अवॉइड कीजिए. हाँ, कभी कभार वो चीज़ अलग होती है और डिपेंड करता है कि आपके टेम्परेचर में, कि आप कितने टेम्परेचर में हो. तो कोट मैं कहूँगी कि आप कोट को ही फर्स्ट अपनी चॉइस बनाइए, और कोट से जो लुक होता है ना वो लुक शायद ही कोई जैकेट या फिर कोई भी हाईनेक आपको दे सकती है. हाईनेक में पहनना बहुत ईजी है और बहुत
बहुत पुराना स्टाइल है हाईनेक में स्वेटर पहनना. सो आप अंदर से हाईनेक भी पहन सकते हैं, आप अपने मैचिंग का हाईनेक पहन सकते हैं ताकि आपका जो नेक एरिया है, आपकी जो चेस्ट एरिया है वो भी कवर हो सके. और साड़ी इसको कुछ ऐसे स्टाइल में वेयर कीजिए, पल्ला कुछ ऐसे कर लीजिए, तो ये एक कैजुअल सा भी लगता है और अच्छा भी लगता है. सो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो. पसंद आई हो तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और कुछ बहुत आइडियाज़ मिल गए हो, आइडियाज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए. सो आप मुझे थैंक यू ज़रूर बोलोगे, और पसंद आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना. सो नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं कुछ अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ. सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल.